भारत के मिसाइल परीक्षणों से दुनिया में पसरा सन्नाटा, चीन पाकिस्तान में बढ़ गई भयंकर बेचैनी, सता रहा खौफ, हथियारों पर देश की बढ़ रही मजबूती से घबराए पड़ोसी। दोस्तों, जिस तरह से भारत आए दिन भयंकर हथियारों पर काम कर रहा है, उससे यही लगता है कि देश किसी बड़ी तैयारी में लगा है। कभी वो भी वक्त था जब भिखारी पाकिस्तान देश को परमाणु हमलों की धमकी दिया करता था और हमारा देश शक्तिशाली होने के बाद भी चुपचाप सहन करता रहता था, कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन आज वो वक्त है कि पीएम मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर उधर से कोई गोली आती है तो उसका जवाब गोले से दो, अगर एक गोली चलती है तो उसके जवाब में 10 गोली चलनी चाहिए, अगर वो एक बम दागते हैं तो इधर से मिसाइल दाग दो। दोस्तों, यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ गलती से देखता भी नहीं है। देश के खिलाफ हथियार जुटाने में वो अपनी ताकत भले झोंक रहा है, लेकिन गलती से भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं देता है, न ही कोई आतंकी वारदात करने की जरूरत करता है। सवाल उठता है कि आखिर पड़ोसी दुश्मन के खौफ की वजह क्या है, किस वजह से भिखारी देश अपनी हद में रहना सीख गया है, पीएम मोदी के किस एक्शन के बाद आतंकी देश की अकल ठिकाने आ गई है। तो दोस्तों, दुनिया का ये दस्तूर है कि जब किसी की इज्जत करो तो वो इसे आपकी कमजोरी समझ लेता है। नरेंद्र मोदी जब देश के पीएम बने, उस वक्त उन्होंने अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने के लिए अपने शपथ ग्रहण में सारे पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए भी, लेकिन चीन पाकिस्तान ने इसे भारत की कमजोरी के रूप में लिया। उन्हें लगा कि शायद ये पीएम भी हमसे डर गए हैं और इसीलिए हमें अपने यहाँ बुलाकर शांति की अपील की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में अचानक पहुंच गए, लेकिन भिखारी देश को अकल नहीं आई और वो आतंकी वारदात से बाज नहीं आया। पाकिस्तानी आतंकियों ने धोखे से उड़ी में हमला करके सैनिकों की जान ले ली, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, तमाम आतंकियों की लाशें बिछा दी। वहीं पुलवामा के जवाब में पीएम ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करवा के 1000 किलो का बम गिरा दिया, जिससे पाकिस्तान की रूह कांप गई और उसने भारत की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। वहीं चीन की गुस्ताखी के खिलाफ देश के जवान सीमा पर पूरे साजो सामान के साथ मौजूद हैं और लगातार भारत जमीन, समंदर और आसमान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आए दिन भयंकर हथियारों का परीक्षण कर डीआरडीओ दुनिया दहला देता है। हर दिन कोई न कोई धमाका होता है, हर दिन भारत किसी नई क्षमता से लैस होता जा रहा है। वहीं तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है कि देश बहुत जल्द सूर्या मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया में बवंडर मचाने वाला है, जिसके बाद भारत के पास 2 भयंकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएंगी। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सूर्या मिसाइल किस ताकत से लैस होगी, इसकी मारक क्षमता क्या होगी, इसकी सेना ने कब मांग की थी, इसके सेना में शामिल होने से देश की सेना कितनी मजबूत होगी। तो दोस्तों, सूर्या मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूर तक मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता में संपूर्ण पृथ्वी है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। इस तरह अगर भारत के अलग अलग भागों से इसे फायर किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। दोस्तों, ये मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्य भेद सकती है, क्योंकि ये MIRV तकनीक से लैस है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम है, लंबाई 40 से 70 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसकी गति 10 से 12 मैक से 29 मैक तक है, यानी ये ध्वनि से 10-12 गुना से 29 गुना तेज चलती है। इस प्रकार धरती के किसी भी कोने में ये अधिकतम 30 से 40 मिनट के पहुंच सकती है। सवाल उठता है कि आखिर ये मिसाइल कब तक बनकर तैयार होगी, भारत इसका परीक्षण कब कर सकता है। तो दोस्तों, इस मिसाइल के विषय में भारत सरकार ने कभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि ये मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और इसका परीक्षण अग्नि 6 के नाम से किया जा चुका है। भारत इस मिसाइल का परीक्षण पूरी रेंज के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास न तो भूमि है न ही समंदर।
दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास भी जो यूरोप से एशिया तक फैला है इतनी लंबाई नहीं है। रूस 9000 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए सूर्या मिसाइल का परीक्षण अग्नि 6 के नाम से 6000 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज के लिए किया जा चुका है। इस परीक्षण से 12000 से 16000 किलोमीटर रेंज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इसकी आवश्यकता भारतीय सेना को 1993 में ही महसूस हुई थी। इसी के आधार पर 1994 में ही भारत के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दिया था। पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में फिर काम शुरू हुआ और मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से इस पर बहुत तेजी से काम हुआ। दोस्तों, इसी बीच देश ने समंदर में खुद को मजबूत बनाने के लिए ऐसे घातक हथियार का परीक्षण किया है जिसके बाद से हिंद महासागर में घुसने से पहले चीन हजार बार सोचेगा, क्योंकि अब देश के समंदर में घुसने का मतलब केवल तबाही ही होगी। सवाल उठता है कि आखिर देश ने किस घातक हथियार का निर्माण किया है, इसकी किस क्षमता से नौसेना हो गई बेहद ताकतवर, चीन पाकिस्तान में क्यों मची हुई है भगदड़। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एंटी सबमरीन मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, हिंद महासागर में देश की नौसेना हुई अजय, ड्रैगन की पनडुब्बियों के उड़ेंगे चीथड़े, जिनपिंग बेहाल। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजियों को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत बनाने में लगा है और इसीलिए आए दिन नए नए हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। और देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का कामयाब परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद नौसेना की ताकत में भयंकर वृद्धि हो गई है और अब दुश्मनों की पनडुब्बियों की बर्बादी तय है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ये टॉरपीडो क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, टॉरपीडो एक सिगार के आकार का स्वचालित जल के नीचे का हथियार है जिसे पनडुब्बी सतह के जहाज या हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है और सतह के जहाजों और पनडुब्बियों में विस्फोट के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही ये पनडुब्बी के काफी करीब पहुंचेगा, मिसाइल पानी में टॉरपीडो को बाहर निकाल देगी और ऑटोमेटेड टॉरपीडो पनडुब्बी से टकराते ही विस्फोट कर देगा। दोस्तों, इस मिसाइल की मारक क्षमता 643 किलोमीटर है। ये 50 किलोग्राम विस्फोटक हथियार के साथ 20 किलोमीटर की रेंज का हल्का टॉरपीडो ले जाती है। ये मिसाइल हवाई या जहाज आधारित पनडुब्बी पहचान और पहचान प्रणालियों से जुड़े दो तरफा डेटा लिंक का उपयोग करता है। इसे सतह के जहाज या ट्रक आधारित बैटरी से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल डबल स्टेप के सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट से ऑपरेट होती है और कोर्स करेक्शन के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, स्मार्ट एक एंटी शिप मिसाइल है जिसमें हल्के वजन का टॉरपीडो लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल किसी पेलोड की तरह किया जाता है और यही दोनों ताकत एक साथ आकर एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण करती है, जिससे काफी आसानी से किसी पनडुब्बी को बर्बाद किया जा सकता है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी ताकत को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया स्मार्ट सिस्टम आधुनिक तकनीक और स्वदेशी इनोवेशन का कंपोजिशन है। अपनी सुपरसोनिक क्षमताओं और टॉरपीडो रिलीज सिस्टम के साथ यह पनडुब्बी खतरों के खिलाफ एक जबरदस्त डिटरेंट क्षमता प्रदान करती है, जो भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पावर और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाती है। दोस्तों, देश एक न्यूक्लियर देश है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल न्यूक्लियर क्षमता युद्ध के लिए पर्याप्त है? परमाणु शक्ति का करने के लिए और क्या तकनीक होना जरूरी है? भारत इस मामले में कितना ताकतवर है? तो दोस्तों, परमाणु बम अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसका अचूक डिलीवरी सिस्टम ना हो, यानी मिसाइलें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी अगर उन्हें लॉन्च करने का जल, थल और वायु में सक्षम प्लेटफॉर्म ना हो। ये तीनों ही आवश्यक है। सौभाग्य से भारत इन तीनों में सक्षम ही नहीं, पूर्णतः आत्मनिर्भर है। मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर की सफलता प्राप्त की है और ना तो किसी से कम है ना किसी पे निर्भर। दुनिया की सेनाओं में परंपरागत युद्ध हथियार तो होते ही हैं, लेकिन सभी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं होती, और होती भी हैं तो उस तरह की नहीं जिस तरह भारत के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अधिकतर मिसाइलें भारत में ही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित और निर्मित की गई हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इनको विकसित करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दुनिया के विकसित देशों के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसे वे भारत को देने से मना कर चुके थे। इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन और ईंधन देने से दुनिया के उन सभी देशों ने मना कर दिया था जिनके पास ये उपलब्ध थी, यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। रूस, जो भारत का मित्र माना जाता है, वो तकनीक देना चाहता था पर दुनिया के दबाव के कारण नहीं दे सका था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा और अथक परिश्रम से न सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन और उसके लिए ईंधन बनाया बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी विश्व स्तर की मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में देश को सक्षम बनाया। तो दोस्तों, देश की बढ़ रही रक्षा ताकत और एंटी सबमरीन मिसाइल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।